अर्ज किया है, उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करें, चमन में चलें पर फूलों को रौंदा न करें। कह दो अदालत के उन गुजरे गवाहों से, झूठ तो बोलें पर झूठ का सौदा न करें। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपका खास खुराफाती जिसे आप जानते हैं भली भांति। हम हैं आपके पिंटू पांडे और स्वागत करते हैं बॉलीवुड का गेम से भरा हुआ म्यूजिक मस्ती वाला शो में, जिनका नाम है बिग टॉप 20। आज का एपिसोड बहुत रोमांचक है। आज के एपिसोड में हिंदी का और भोजपुरी का 20 ठो गाना सुनाएंगे, करेंगे मेहमान से मुलाकात, मेहमान से घमासान दिखाएंगे और सुनाएंगे आपका भेजा हुआ जो चटपटा चुटकुला होता है वो, और आज बताएंगे शुद्ध देसी हीरोइन के बारे में, मतलब परिणीति चोपड़ा जी के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद आपने पहले नहीं सुनी है। तो शुरू करते हैं खुराफात। सबसे पहले खबरों की खिंचाई। सुनने में खबर आई है कि एक ऑनलाइन वेबसाइट कंपनी बेच रही है 9 रुपए किलो प्याज। भैया लेकिन एक बात बताइए, कैफे जाने का 20 रुपया खर्चा, डाउनलोड फॉर्म करने का खर्चा, फॉर्म भरने का खर्चा, उसको प्रिंट निकलवाने का खर्चा, होम डिलीवरी करवाने का खर्चा, VVIP चार्जेज, इस सब मिला के 200 रुपया हो जाता है। तो प्याज 1 किलो पड़ा 209 रुपया का। इससे बढ़िया तो मार्केट में 70 रुपए में ही मिल रहा है। वाह, सिर्फ 70 रुपए में, वाह। ऐसे ही घरेलू बेवकूफ बनते हैं। वैज्ञानिकों ने चांद पे ढूंढ निकाला है पानी, हद काम है। अरे यार, पानी की किल्लत धरती पे हो रही है और तुम साले चांद पे जाके खोज रहे हो। अब बताओ, मटका लेके सुबह सुबह 4 बजे भाभी लो चांद पे जाएंगी कि सरकारी नल पे जाएंगी? पानी सर से ऊपर जा रहा है बता रहे हैं, खोज के चक्कर में तुम लोग बहुत पैसा बर्बाद कर रहे हो। हरियाणा के गांव में बिजली का बिल ज्यादा आने से गांव के लोगों ने किया चक्का जाम। इस पे गांव के एक ताऊ का कहना है, अरे बाबड़ी पूछ, अरे भाई बिल किन्ने भी आए मने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर तू ये बता दे भाई कते बिजली भी तो दे दे। एक खबर से पता चला है कि अब रेलवे ऑनलाइन की जानकारी होगी और भी आसान। कितनी आसान होगी? क्या मतलब, पहले हम लोग पान वाले से पूछते थे कि भैया ये चंदू मोहल्ला कहाँ है, तो उनसे पूछेंगे कि भैया ट्रेन का क्या स्थिति है। कितना भी आसान हो जाए बाबू, ट्रेन पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रक्षा मंत्री AK एंटोनी का कहना है कि अब चाइना हमसे डरने लगा है। इस पे एक चाइनीज का कहना है, इसका मतलब ये है कि डरवर का तो पता नहीं, लेकिन एंटोनी साहब का ये स्टेटमेंट चाइना का जोक ऑफ द ईयर बन गया है। 20, 19 और 18।